अगर आपने अभी तक नहीं किया है दिव्यांग जगत को ज्वाइन, तो आज ही बने दिव्यांग जगत के सदस्य। आपको मिलेगा दिव्यांग जगत का कार्ड, दिव्यांग जगत की दीवार घड़ी और दिव्यांग जगत की तरफ से साल भर तक अखबार केवल मात्र 550 रुपये में। आप व्हाट्सएप पर हमें हाई का मैसेज करिए, आपको दिव्यांग जगत की सदस्यता मिलेगी। बनिए दिव्यांग जगत के सदस्य आज ही और जुड़िए दिव्यांग जगत के साथ। हमें केंद्र सरकार ने हमारे राज्य के अनुभव को स्वीकृति देते हैं, हमें अनुभव में शामिल किया जाए। आपको दिखा दूं सीधा लाइव, ये देखिए मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। सरकारों का दस नहीं जलेंगे, नहीं जलेंगे, नहीं जलेंगे। सरकारों का दस नहीं जलेंगे, नहीं जलेंगे, नहीं जलेंगे। ये देखिए अधिकारी वर्गण ऑफिस में जाते, लेकिन गुणन चार दिन कंटिन्यू यही ही निकल रहे हैं, लेकिन किसी ने भी किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं किया। आप देख पा रहे होंगे लगातार ये आम रास्ता है। अब मैं जो यहाँ मैन कार्यकर्ता है अंजू जी हैं, जिन्होंने जयपुर में भी लगभग 35 घंटे टैंकी बताई, मैं उनसे कहना चाहूँगा मैम आपकी जो मांग है वो क्या है सरकार से। आप लगातार 49 दिन से यहाँ कर्मी कंसन और धरने पर बैठे हुए, उसके बाद भी सरकारी नुमाइंदे आपकी बात नहीं सुन रहे, तो आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो सरकार से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि जितना जल्दी हो सके हमें अपना रोजगार दिला दे। अब हमारे सब्र की परीक्षा न ले, हम सब भाई लेने के लिए तैयार हैं। हर वर्ग को उन्होंने कुछ ना कुछ दिया है। सर हमने ऐसा क्या मांग लिया जो वो हमारी मांग सुन भी नहीं रहे? देने की बात तो उन्होंने एक बार आके बात तो करे और बात करके अमल में भी लाए कि भाई आप लोग हकीकत के पात्र हो। यानी आप 49 दिन से लगातार या कर्मिक धरना और अनशन पे बैठे, उसके बावजूद भी सरकार का कोई नुमाइंदा आपके पास नहीं आया? नहीं आया सर, नहीं आया। यानी सरकार वंचित विद्यार्थी मित्रों के धैर्य की परीक्षा ले रही है लगातार 49 दिन। आज तक का इतिहास है, मात्र 34 दिन का धरना चला था पहले, 49 दिन। आप इनके चेहरे देखिए, आप पूरे राजस्थान से 33 जिलों से लोग आए हुए हैं। कार्यालय निदेशक प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, और ये मुख्य रास्ता जहाँ पे आम अधिकारी वर्ग यहाँ से जाता है उसके सामने लगातार बैठे हो, लेकिन फिर भी अपनी आंखें बंद करके निकल जाते हैं। आप इनके चेहरे देखिए, जिन्होंने अपने अपने 14-15 साल शिक्षा विभाग को दिए, आज इन्हें उस लाभ से, उस परिलाभ से इनको वंचित कर दिया गया। इनकी एक ही मांग है कि एन केन प्रकार हमें जो है संविदा सेवा नियमों में शामिल किया जाए। आप देख पा रहे होंगे लगातार मुख्य द्वार के सामने, ये देखिए जो लगातार 49 दिन से रोड पर बेचारे सो रहे हैं, यही खाना खा रहे हैं इस भीषण गर्मी में, इस भीषण बरसात में, उसके बावजूद भी सरकार इनकी कुछ भी नहीं चुने। सुनना तो दूर, अभी तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा, देखो ये बैनर है, इस बैनर के तले वंचित विद्यार्थी मित्र शीर्षक का लगातार 49वां दिन इतिहास गवाह है कि 49 दिन यानी लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन सरकार के नुमाइंदों पर 1% जू भी नहीं रहेंगे कि भाई उनका हाल चाल जाके पूछ। देखो ये महिलाएं हैं, ये छोटे बच्चे, ये देखिए आप छोटे बच्चे, बच्चों सहित परिवार सहित यहाँ पे बेचारे 49 दिन से बैठे। ये देखो महिलाएं, ये देखो पूरे राजस्थान से, राजस्थान के 33 जिलों से, क्या विडम्बना है जिन्होंने अपने प्रारंभिक 8-10 साल कीमती समय जो है सरकार को दिए हैं, उसके बावजूद इन्हें आज दर दर की ठोकरें खा रही पड़ी। ये देखो मातृ शक्तियाँ जो लगातार इस रोड पर अपनी रातें गुजारती है अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ। सरकार फिर भी इतनी निर्दयी और कठोर है कि इनका कोई भी सोल्यूशन तो दूर, इनकी समस्या भी नहीं सुन रही है। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये जो है इस सारी व्यवस्था को चलाने वाले लगातार 49 दिन से इस व्यवस्था को अपना हक मांगने के लिए लगातार रोड पर संघर्ष कर रहे हैं, जिशन जी, अमिटा जी, इनसे मैं कहना चाहूँगा कि सरकार को 2 शब्दों में क्या आप इस पर संदेश देना चाहेंगे?
सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की, जो आने वाला स्वतंत्रता दिवस है कल अपना, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे भारतवासियों को, पूरे राजस्थान वालों को और पूरे वंचित विद्यार्थी मित्र साथियों को, जो आज रोजगार की कड़ी में यहाँ कंधे से कंधा मिलाकर आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और हम सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि जो सरकार हमारे साथ जो पूछा दोहरा जो सौतेलापन व्यवहार कर रही है संविदा कर्मियों के साथ, तो सरकार समय रहते इसको हमारे साथ न्याय करें और हम लोगों के साथ जो संविदा कर्म नियम 2022 बनाए हैं उसके अंदर हम 6,500 परिवारों के साथ रोजगार देके ये सरकार न्याय करे। आज हम सारे विद्यार्थी मित्र यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आज हम शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से सरकार के सामने प्रदर्शन करेंगे और जो 15 अगस्त हैं उसका भी हम सम्मान कर रहे हैं। सभी तरह से जो लोग आए हैं उनके दिल में स्वतंत्रता दिवस की और देशभक्ति की कूट कूट के भावनाएं भरी हुई हैं। जो इस गहलोत सरकार से मैं यही निवेदन करना चाह रही हूँ, समय रहते अगर ये सरकार हम 6,500 परिवार लोगों के साथ अगर न्याय करती है तो ये सारे के सारे 6,500 परिवार आपके ऋणी रहेंगे, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करने पर तत्पर हो जाएंगे और हमें बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। यशवंता मेहता प्रदेश संयोजक राजस्थान मंच। देखिए, इनका कहना है कि हम लगातार 4 दिन से यहाँ है लेकिन उसके बावजूद भी सरकार हमारा नहीं सुन रही है। इतना ही नहीं, लोगों ने कहा है कि गहलोत ने हर किसी वर्ग को कुछ ना कुछ दिया है लेकिन इनके भाग्य में आया तो सिर्फ वनवास, वो भी 14 साल का श्री राम का था। इनको तो मुझे लगता है 2007 से ये मानदे में काम कर रहे हैं, आज इनको 14 साल से भी ज़्यादा हो चुके। प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र सिंह जी तंवर, आप सरकार के लिए, अपने हक के लिए सरकार से लगातार लड़ रहे हैं। आपने प्रतिज्ञा भी ली थी कि जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा, हमें संविधान नियमों में शामिल नहीं किया जाएगा, आप तब तक नमे पैर रहेंगे। और इसी संदर्भ में आप जयपुर भी गए थे, वो मैंने नोट किया है। तो आप सरकार को 2 टूक शब्दों में क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले, सरकार के 3 अंग होते हैं और चौथा अंग मीडिया कर्मी होता है जो हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाता है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि हमारी मांग को इसी प्रकार से मीडिया बंधु हमारे सहयोगी बनकर के हमारी मांग को आगे बढ़ता है। दूसरा, सरकार को मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ क्योंकि हम लगातार 14 साल से संघर्ष कर रहे हैं और 7 साल से वंचित चल रहे हैं। हम कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं, हमारी जायज मांग है। जब नाजायज मांग को आप पूरा करते हो, बिना अनुभव वालों को अपने संविदा सेवा नियम में शामिल करते हो, हम तो पूरे नियमों पर कसौटी पे खड़े उतरते हैं। दूसरा, अल्प मानदेय में हमारा, हमने आपके विद्यालयों का 100% परिणाम दिया है और 6 से 7 साल तक सेवा दी है, फिर हमारे को कौन से नियम की, ये किस सजा की, ये अन्याय का शोषण हमारे को दिया है, शोषित पीड़ित इस वंचित वर्ग को न्याय कब मिलेगा? गहलोत सरकार से मैं यही कहता हूँ कि जल्द समय में या तो हमारे को संविदा सेवा नियम में शामिल कर दिया जाए, और यदि नहीं करते हैं तो कोई भी उग्र आंदोलन होगा उसके जिम्मेदार सरकार एवं सरकार के प्रशासनिक अधिकारी एवं पुलिस प्रशासन होगा, क्योंकि भूखा व्यक्ति और पीड़ित व्यक्ति यानी दुखी व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर सकता है, हर पाप करने के लिए मजबूर होता है। तो मैं पुनः सरकार से ये निवेदन करता हूँ, सद्बुद्धि यज्ञ भी हमने 2 कर दिए, इनको सद्बुद्धि दी जाए, और यदि सद्बुद्धि नहीं आती है तो मैं इनको कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, ईंट से ईंट बजाने के लिए कि मेरा ये संविदा कर्मी, ये वंचित विद्यार्थी मित्र, हर ये छोटा सा ट्रेलर बड़ी पिक्चर बाकी है। समय रहते चुनाव आ रहे हैं, या तो संविदा सेवा नियम 2022 में इनको शामिल कर दे और उनके साथ में 6,500 परिवारों का संबल प्रदान करे, नहीं तो अपने चुनावी वादा पूरा नहीं करती है, घोषणा करती है, तो उनको ये हम दिखा देंगे कि किस प्रकार से वंचित विद्यार्थी मित्र घर घर जा करके इनके वोटरों को चाहे नोटा भी देना पड़े, लेकिन दोनों सरकारों की निंदा करता हूं, किसी को भी हम वोट नहीं देंगे। ये हम जो हमारे विभाग मुख्य है श्रीमान जी बीडी कला साहब, जो शिक्षा मंत्री जी है, दूसरे ऊर्जा मंत्री श्रीमान भंवर सिंह जी भाटी, अभी तक दोनों बंदों ने आके हमसे कोई मुलाकात नहीं की है। अच्छा, नहीं हमारी समस्याओं को कुछ सुना है। अच्छा अच्छा, सरकार को बस यही सरकार से अनुरोध करें हम तो जी, कि किसी भी तरह हमें इस मुख्य धारा में जोड़ दो रोजगार की, वरना वही बात है कि धैर्य सरकार हमारा क्या देख रही है, हम सरकार का धैर्य देख रहे हैं कि सरकार में कितना धैर्य है। वक्त आने पर सरकार को भी बता देंगे कि ये 6,500 परिवार क्या कर सकते हैं। अगर समय रहते गहलोत सरकार हमारा काम नहीं करती है तो जो भी घटनाक्रम होगा उसकी जिम्मेदार स्वयं गहलोत सरकार और श्रीमान जी शिक्षा मंत्री बी डी कला साहब होंगे, ये 100% ये होगा इनके साथ। समय रहते अगर मांग पूरी नहीं करती हो, आज 49 दिनों के अंदर इतनी महिलाएं बैठी है, बड़ी विडंबना की बात है, रात को 2 बजे एक महिला यहाँ बेहोश हो जाती है,
और हॉस्पिटल में जाते हैं, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ कोई सुविधा नहीं है। धरना चल रहा है, धरने स्थल पर कोई प्रशासन के द्वारा कोई व्यक्ति यहाँ निर्धारित नहीं किया गया कि भाई आज पूछा सुबह धरना चल रहा है। यहाँ महिलाएँ भी रहती हैं, बहुत सारे 200-300 की संख्या में रहते हैं, तो प्रशासन का ये कर्तव्य होता है कि उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ महिलाएँ पुलिसकर्मी में गार्ड रखा जाए। लेकिन ये सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। सरकार अपने इस नशे में है कि कोई नहीं रोकने वाला, हम तो हमारी मर्जी से चलेंगे। लेकिन गहलोत सरकार बार बार बोलिए दो दो हाथ मैं देते देते नहीं थकूंगा, आप लेते लेते थक जाओगे। श्रीमान जी, हम तो 6 साल से आपसे मांग रहे हैं, आपके दोनों हाथ कब खुलेंगे? एक बार दो तो सही, दो रोटी दे दो आप। देखिए रामनवास जी, सांड साहब का कहना है कि हम लगातार यह है, उसके बावजूद भी हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ महिला भी हैं, बेचारी रात को यहाँ रोड पेश होती है, उसके बावजूद प्रशासन इसका कठोर और निश्चित हो रहा है कि बिल्कुल उन्होंने इंतहाई पार कर दी। मुझे नहीं लगता कि इस हिसाब से गहलोत सरकार रिपीट हो पाएगी। जिस तरह यहाँ शोषित पीड़ित वर्ग यहाँ खड़ा हुआ है, पूरे राजस्थान के 33 जिलों के जो लोग हैं, और ख़ास बात यह है कि इन अधिकारियों पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो जाके इनकी समस्या सुने, इनके बारे में पता करें, कि सरकार को लिखे कि कुछ लोग यहाँ हैं, बहुत सारे लोग जो बेचारे 49 दिन से आए, इनकी तरफ से भी कोई वो नहीं है। अब मैं आपको बता दूँ, लगातार 49 दिन से जो व्यवस्थाएँ हैं जो इन्होंने लगा रखी है अपने अदम्य साहस से, तो इनकी देखो रहने की व्यवस्था आपको दिखाता हूँ, जो लगातार 49 दिन से ये देखो इसके पीछे ये अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, ये इनकी टीम है, ये कुछ महिला है जो अपने लिए सिर्फ सारी व्यवस्थाएं संभाल रही हैं, और ये हमारे रसोइये हैं जो कंटिन्यू अपने अथक परिश्रम और धूप में, देखिए अब देखिएगा क्या विडंबना है गहलोत सरकार के राज में, धूप में बेचारे तवे की रोटियां खा रहे हैं, वो भी गहलोत के होते हैं, वो भी रोडों पे खुले आम।